नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं आरआर ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ट्विन लाइन जो एमएस का डबल लाइन है वो कैसे डलता है और उसके लिए कितना एक्सकेवेशन करना होता है और कितना डेप्थ रिक्वायर रहता है और विड्थ कितना लेते हैं, वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और यहाँ पे हिटाची से एक्सकेवेशन हुआ है। ये दो लाइन का है और जिसमें एक 2700 mm का लाइन है और दूसरा 2800 mm का लाइन है। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन किया जाएगा जिसका डेप्थ रिक्वायर्ड है 4200 mm का रहेगा और हमने जो विड्थ लिया है वो 8 मीटर का लिया है, जिसमें से दोनों पाइप के बीच में जो गैप रहेगा 2300 और 2700 mm के पाइप के बीच में गैप जो रहेगा वो हम 1000 mm यानी कि 1 मीटर लेके चल रहे हैं। और दोनों पाइप के साइड कवर जो है वो यहाँ पे 315 वैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और यहाँ पे आपको क्रेन दिख रहा होगा जिसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 85 टन का है। 85 टन का वेटेड पाइप या किसी भी प्रकार की वस्तु को ये आसानी से उठा सकता है। तो इसी के हेल्प से यहाँ पे लेइंग होगा, दोनों पाइप को लेइंग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सकेवेशन इधर चालू है और अभी पाइप अनलोडिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा ROW है और वहाँ पे हम पाइप अनलोडिंग करते हैं ताकि ट्रेंच में डालने में आसानी हो। तो इसके कारण पाइप को हम ट्रेंच के बगल में ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइप की गाड़ी आ चुकी है और सभी गाड़ी को बारी बारी करके अनलोड किया जाएगा। तो इस पर 2700 mm का पाइप आया हुआ है। जैसे कि आप तो MS के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम कई सारा वीडियो बनाए हैं MS पाइप के ऊपर। तो ये पाइप के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि ये MS का पाइप है। MS मींस मिल्ड स्टील होता है और इसका जो लेंथ है वो 12 मीटर का है। इसके ऊपर पॉलीथीन कोटिंग किया हुआ है, 3 लेयर का 3 LP का है। और इसका थिकनेस का अगर बात करें तो पाइप का जो थिकनेस है वो 14 mm का है। तो टोटल डाया 2728 mm का है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी भी अनलोड किया जाएगा। तो ये क्रेन है, क्रेन का जो सीलिंग है उसको डाउन किया गया है और इसमें बेल्ट से इसको अभी उतारा जाएगा। तो बेल्ट काफ़ी मज़बूत बेल्ट होता है जो आसानी से पाइप को उठा सके। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिगर के द्वारा बेल्ट लगा दिया गया है और ये क्रेन से अभी लिफ्ट किया जाएगा, पाइप को उठाया जाएगा तो फिर टेलर आगे बढ़ा लेगा। तो जैसे कि देखिए अभी धीरे धीरे करके पाइप उठाना चालू किया है। तो यहाँ पे अभी पाइप उठाना चालू कर दिया है। और दूसरी बात, हम एक चीज़ और भी, अगर आप भी पाइप अनलोडिंग कराते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब पाइप अनलोडिंग होता है तो उस टाइम में क्रेन के आजू बाजू में कोई भी रिगर या कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर सीलिंग टूट जाए या बेल्ट टूट जाए तो पाइप गिर जाएगा। तो गिरने के बाद अगर अगल बगल में जो भी आदमी खड़ा रहता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, चोट भी लग सकता है। तो इसके कारण पाइप जब उठाया जाता है तो उस टाइम में आजू बाजू में खड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये पाइप में रस्सी भी बांध दिया है ताकि जिधर अगल बगल में खड़ा ना हो सके, दूर से ही इसको कंट्रोल कर सके, पाइप को जिधर घुमाने का है उधर घुमा सके। तो पाइप के दोनों छोर में रस्सी बांध दिया गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ है, पाइप को अभी जिधर चाहे उधर घुमा के वो रख सकता है, जहाँ पे भी रखने का ज़रूरत पड़े वहाँ पे रख सकता है। तो
यहाँ पे बड़ी आसानी से ये पाइप को अनलोड कर किया जा रहा है, और हैवी क्रेन भी है तो जिसके कारण कोई परेशानी नहीं आती है। अगर हम हाइड्रा वगैरह से अनलोडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा परेशानी आती है, और सेफ्टी भी वहाँ पे बहुत कम होता है। तो यहाँ पे अनलोडिंग किया जा रहा है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, और जिनको भी इस टाइप की जानकारी की आवश्यकता हो, जो पाइपलाइन में है या पाइपलाइन का काम जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे शेयर भी करें। तो यहाँ पे पाइप को डंप कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी टेलर है वो अनलोड के लिए जा रही है, तो काफ़ी पाइप का काफ़ी ज़्यादा वेट है, लगभग 10 टन का पाइप है, तो ज़्यादा वेटेड होने के कारण क्रेन को उठाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है और टेलर को ले जाने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ कि एक्सकेवेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो दो हिटाची है, जिससे अभी एक्सकेवेशन चालू कर दिया गया है। तो अब बड़ा लाइन होने के कारण, ट्विन लाइन होने के कारण एक्सकेवेशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसको विड्थ भी ज़्यादा लेना होता है और डेप्थ भी ज़्यादा लेना होता है इसके कारण। तो जैसे कि पहले ये तो जितना इसका मशीन घूम सके उतना पहले ये एक्सकेवेशन कर लेते हैं, और उधर का जो मिट्टी होता है उसे सर्विस रोड पे रखा जाता है। और जैसे कि मैं अभी ट्रेंच के नीचे में आ गया हूँ, यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये एक्सकेवेशन कर रहे हैं। और अभी हिटाची से एक्सकेवेशन जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये चालू है, और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा हार्ड मिट्टी है जिसके कारण थोड़ा एक्सकेवेशन में टाइम लग रहा है। वैसे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ जाता तो फिर हम ब्रेकर का वहाँ पे उपयोग करते हैं, ब्रेकर से ब्रेकिंग करके फिर मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो नीचे से इस प्रकार का नज़ारा है, जैसे कि मैं अभी पाइप के अंदर में हूँ, और ये देखिए यहाँ पे पहले तो 2700 mm का पाइप को डंप कर दिया है। डंप करने के बाद जॉइंट भी रेडी हो गया है, और जो राइट साइड में 2300 mm का पाइप को लेइंग करना था उसका एक पाइप नीचे में पहले से डंप किया गया है, और दूसरा पाइप को यहाँ पे 35 टन का क्रेन से लिफ्ट कर दिया गया है, फिर उसके बाद नीचे में ट्रेंच में डंप करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका सीलिंग भी काफ़ी लंबा है और बूम भी बहुत ही बड़ा है, और दोनों पाइप के दोनों छोर पर जैसे कि रस्सी से बांध के और दो आदमी उसको पकड़ रखे हैं, मतलब कि उसको पाइप को डायरेक्शन देंगे, जिधर ले जाने का है उधर घुमाएंगे तो उस टाइप से जाएगा। और देख पा रहे होंगे कि दोनों पाइप का जो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, हम यहाँ पे 1 मीटर गैप लेके चल रहे हैं। तो अभी इसको आराम आराम से डंप किया जाएगा ट्रेंच में। तो और थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि डंप करने में एकदम से सडनली से पाइप को हम नीचे नहीं कर सकते हैं। नीचे नहीं करने का मतलब ये है कि अगर हम एकदम से करते हैं तो फिर अगर नीचे में कोई आदमी रहे तो उसको भी चोट लग सकता है और पाइप भी डैमेज होने का थोड़ा चांसेस रहता है। तो इसके कारण आराम आराम से किया जाता है, और जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी हैवी डाया का पाइप है, बड़ा डाया का पाइप है, तो इसमें सावधानी और सुरक्षा के साथ काम करना पड़ता है। चाहे टाइम भले ही लग जाए लेकिन सेफ्टी में काम करना होता है, इसके कारण आराम आराम से किया जाता है, ज़्यादा जल्दी में नहीं किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।